हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे लास्ट वीक के ऑटो न्यूज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करने वाले हैं ऑडी के बारे में। ऑडी Q8 लिमिटेड एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है। प्राइसिंग की बात करें 1.18 करोड़। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कार है ये। 1.18 करोड़ की इसकी जो प्राइसिंग है, एक्सशोरूम में आपको बता रहा हूँ। और इसमें हमारे पास कॉस्मेटिक चेंजेस ही, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। और एक दो फीचर एक्स्ट्रा ऐड के, जिसके इन्होंने बहुत ज्यादा प्राइस ले लिया है। और इसमें जो प्राइस हाइक है, नॉर्मल और लिमिटेड एडिशन में जो प्राइस की हाइक है, वो है 11 लैक्स। और ये जो है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल होगी। तो अगर आप इसे लेना चाह रहे हो तो आप फटाफट जाके इसे बुक करा के खरीद सकते हो। नेक्स्ट न्यूज है, क्रेटा फेसलिफ्ट को फिर से टेस्ट करते हुए देखा गया है। और इसमें जो फ्रंट में बेसिकली टूसॉन जैसे, जो इसका मेन जो फ्रंट ही चेंज होगा, जिसमें टूसॉन टाइप जो इसके ग्रिल वगैरह सब कुछ हो जाएगी। और ये जो है हमारे 2024 में अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल के बीच में जो है लॉन्च होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। Volkswagen Virtus GT का जो है एक मैट एडिशन जो है नेक्स्ट मंथ हमारा लॉन्च हो जाएगा। और इसमें जो कुछ नहीं, बस कलर चेंज है, अलॉय व्हील्स ब्लैक वगैरह करके इसको लॉन्च किया जाएगा। और जो इसमें जो है बाहर का जो पेंट है, उसको मैट ब्लैक कलर में जो है पूरी कार को पेंटेड रहेगी। ये बेसिकली कंपनीज करती रहती है ताकि थोड़ा मतलब न्यूज वगैरह में बने रहे और मतलब ज्यादा मतलब लीक से हटे ना। तो इसीलिए कंपनीज जो थोड़े कलर वलर में चेंज वेंज करके उस लिमिटेड एडिशन से इस टाइप के निकाल देती है। टाटा नेक्सॉन की जो फेसलिफ्ट है, उसको जो फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। प्राइजेस रिवील कर दी गई है। प्राइजेस की बात करें तो 8.1 लाख से स्टार्ट होगा। ये 15.5 लाख जो कि डीजल AMT टॉप एंड वेरिएंट है। इस जो न्यू नेक्सॉन है, इसके प्राइस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मतलब ऑन रोड की बात करो, जो डीजल टॉप वेरिएंट है इसका, वो ऑलमोस्ट 18 लाख प्लस जाएगा। और यार मतलब एक टाइम पे नेक्सॉन, नेक्सॉन कह रहा हूँ मैं, क्रेटा जो अच्छी खासी साइज में भी बड़ी एसयूवी क्या बेसिकली क्रॉसओवर है, वो आपको मिल जाती थी उसी प्राइस रेंज में। अब आपको एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मिले, नो डाउट इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा एडवांस फीचर है, लेकिन फिर भी यार 18 लाख मुझे पर्सनली वर्थ इट नहीं लगता। आपको क्या लगता है, आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो। तो गाइस, जो नेक्सॉन ईवी है, उसके भी प्राइस जो है रिवील कर दिए हैं। और प्राइसिंग जो है उसकी 14.74 लाख से लेकर 19.94 लाख तक ये आपको पड़ जाएगी। और ये जो एक्सशोरूम प्राइस है, इनमें जो टैक्सेस थोड़े कम लगते हैं, तो आप 2021 तक तो आप मान ही लो, ठीक है। और अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो इसके ऊपर, तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हो। मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया क्या क्या जो है ईवी में आपको फीचर्स वगैरह मिलने वाले हैं। रेंज की बात करते हैं, 465 किलोमीटर में की जो है इसको अच्छी रेंज क्लेम की गई है। मतलब जो ARAI क्लेम करते हैं, और काफी ज्यादा हेल्दी रेंज है ये। और रियल लाइफ की रफली माइलेज की बात करें तो 350 तक आपको ये आराम से दे देगी। निसान मैग्नाइट का जो है एक न्यू एडिशन आने वाला है, जिसका नाम है कूरो, KURO करके, आप देख लेना क्या प्रोनाउंसिएशन है, कूरो एडिशन है। इसको जो टीज किया गया है और इसकी जो बुकिंग से ओपन हो गए, इसमें आपको 1 लीटर AMT का ऑप्शन मिलता है। वैसे मैग्नाइट में CVT ऑप्शन आता है, लेकिन हाँ AMT इज अ चीपर ऑप्शन, आप देख सकते हो 1 लीटर पेट्रोल इंजन में। और इसमें जो है आपको डार्क कलर मिलेगा, मतलब बाहर और इंटीरियर में आपको डार्क कलर मिलने वाला है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो आप बुक करा सकते हो। C3 एयरक्रॉस को जो है लॉन्च कर दिया गया है। और अभी तक जो इसकी सिर्फ बेस मॉडल की प्राइस को रिवील किया गया है, जो कि है 10 लाख रुपीज, ठीक है, एक शोरूम प्राइस है ये। और इसकी जो डिलीवरी है 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। तो जहां तक कंपनी जो है सारे मॉडल्स वाइज जो वेरियंट्स वगैरह है और प्राइसिंग जो है, वो उस टाइम रिवील कर देगी। जैसे रिवील करते हैं मैं आपको चैनल पर बता दूंगा। मर्सिडीज EQE 500 इलेक्ट्रिक SUV की जो है लॉन्च कर दिया गया है। प्राइसिंग की बात करें तो 1.31 करोड़ की इसके एक्सशोरूम प्राइस है। रेंज की बात करते हैं तो 550 किलोमीटर की जिसमें आपको रेंज प्रोवाइड हो जाती है। इस SUV में आपको 56 इंच की हाइपर टच स्क्रीन मिलती है, जो कि काफी ज्यादा ह्यूज साइज है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें, 90.56 किलोवाट आवर की इसमें आपको बैटरी मिल जाएगी। पावर की बात करें, 408 BHP, एंड टॉर्क की बात करते हैं तो 858 Nm का टॉर्क। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप इसे बुक करा सकते हो। नेक्स्ट न्यूज है हमारे जीप कंपास से रिलेटेड। तो पहले अगर आपको जीप कंपास में डीजल में ऑटोमेटिक लेना होता था, तो जो है इसमें ऑप्शंस नहीं थे टू व्हील ड्राइव के, इसमें सिर्फ आपको 4x4 ही लेना पड़ता था, जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई थी। तो अब फाइनली जीप वालों ने क्या किया है कि इसमें आपको टू व्हील ड्राइव प्रोवाइड कर दिया है डीजल ऑटोमेटिक के साथ, ठीक है। इसमें माइलेज की बात करते हैं, 16.2 km/L की इसमें आपको माइलेज क्लेम हो जाती है। और अब जो है जीप कंपास से पेट्रोल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। XUV.E8 जो कि XUV7 डेवलपर बेस्ड महिंद्रा की एक इलेक्ट्रिक SUV, उसको जो टेस्ट करते हुए देखा गया है। और जो ये जो है हमारी लास्ट मंथ, जो कि नेक्स्ट ईयर को होने वाला है, उस टाइम तक ये जो है लॉन्च हो जाएगी इंडिया में। इसी XUV.E8 में ये देखा गया कि इसमें जो है आपको 3 टच स्क्रीन मिल जाएगी। मतलब एक तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे होगा,
फिर एक हो गया आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन, मतलब जिसमें आप सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हो, और एक तीसरी स्क्रीन जो कि को ड्राइवर सीट के, मतलब जो डैशबोर्ड वाला एरिया होता है को ड्राइवर सीट के सामने वाला, वहां पे एक स्क्रीन है। आप देखते हो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह रहेगी, तो देखते जैसे जैसे और डिटेल्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। टाटा मोटर्स ने एक ट्रेडमार्क फाइल किया है जिसका जो नाम है अजूरो, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, और मुझे जैसा पर्सनली फील हो रहा है कि जो टाटा कर्व है ये उसके लिए जो है ट्रेडमार्क जो फाइल किया है टाटा ने, क्योंकि वो बहुत ही जो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो आपके क्या वो राय है, आप कमेंट्स कर सकते हो। इस आज की वीडियो के लिए तो इतना ही, कैसे लगा आपको ये न्यूज जरूर बताना, और कल की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो उसके लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।